खबर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लिक कीजिए बेल आइकॉन और बने रहिए हमारे साथ। बीती रात उत्तर भारतीय समाज द्वारा मुंबई के कांदिवली पश्चिम में आयोजित कर्मयोगी सम्मान पुरस्कार कार्यक्रम में पहुंचे भोजपुरी सुपर स्टार व बीजेपी के स्टार रवि प्रकाश रवि किशन ने देश के प्रधानमंत्री को लेकर एक विवादित बयान दे डाला। रवि किशन ने कहा कि पुलवामा का कांड हुआ तब से बीजेपी रॉकेट के जैसा उड़ गया है। 56 इंच का सीना सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, मोदी जी घुसकर मारे। कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टियों को हिदायत दिया है कि देश के जवानों के लिए किए गए कार्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद रवि किशन का ये ध्यान सर्वनाश है, बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं है इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। भैया हो जैसे पुलवामा का कांड भई बा भारतीय जनता पार्टी एकदम रॉकेट नियम हो गई है कि पता चल कि 56 इंच का सीमा खाली बोली से ना बा मोदी जी घुस के मारल मोदी जी घरे में घुसल और मारल। तो भैया ये वो पार्टी है इसके झंडे के नीचे हमारे गोपाल अन्ना है। ये वो पार्टी है जिसमें मुसलमान भाई भी सुरक्षित है। एक भी मुसलमान भाई से पूछकर कि कभी आपको 5 साल में दिक्कत हुई, कोई नहीं कहेगा। अफवाह लोग उड़ाते हैं, अपोजिट पार्टी वाला उड़ाता है। रवि किशन वो कह रहे हैं कि पुलवामा कांड के बाद बीजेपी रॉकेट के जैसा ऊपर आ गई और मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के मारा, ऐसा प्रधानमंत्री हमें चाहिए। देखिए पहले तो वो जवाब दे इस बात के हैं कि पुलवामा में जो हमला हुआ आतंकी हमला हुआ वो उसके बारे में 5 दिन पहले ही जानकारी मिल चुकी थी, इंटेलिजेंस था। तभी भी ये 40 जो जवान हमारे क्यों मरे, उनको एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया, इन सभी सवालों की जो हमें जवाब चाहिए सवालों के वो नहीं दे रहे हैं। दूसरी ओर इसकी जिम्मेदारी भी नहीं हो रही है कि ये 40 जवानों की जाने गई, इसके लिए मोदी सरकार के सिवा और कौन जिम्मेदार है। तो अगर 26/11 जब हुआ था तब हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर सभी ने इस्तीफा दिया था, तो मोदी जी का कोई इस्तीफा हम लोग नहीं मांग सकते, ये परिस्थिति है। और दूसरी ओर कि पुलवामा जैसे जो आतंकी हमले का और उसके बाद में जो जवान वहाँ हमारे एयरफोर्स गई उनका जो शौर्य था उसका भी बाजार राजनीतिक बाजार ये मोदी जी कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से, क्या मोदी जी जा ये एरोप्लेन चला रहे थे जब ही? तो ये मोदी जी चला रहे थे और मोदी जी ने जाके खुद हमला किया है। तो अगर जवानों ने अपना शौर्य दिखाया है तो उसका उपयोग राजनीतिक स्तर पर करना ये मतलब इससे ज़्यादा हल्की बात कोई हो नहीं सकती। और चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में इस तरह का उपयोग नहीं होना चाहिए, तभी भी ये कर रहे हैं, इसका मतलब है कि 5 साल में इनको जो भी उन्होंने वादे किए थे उसमें निभाए नहीं है, उनको दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो अभी जवानों के शौर्य का उनके खून का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है वो, जो कि बहुत ही खराब है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं।